हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सतगुरु लोक उजागर। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सतगुरु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम रंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। छोड़ दो उसे दुष्ट, छोड़ दो उसे, अन्यथा मारुति तुम्हें दंडित करेगा। छोड़ दो उसे। आज करिबे को आधुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। रूप धरि लंक जरावा। प्रेम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोज सगावै। अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहां ते कभी को बिद कहि सके कहां ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम रो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर मानू। लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। चल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। राम द्वारे तुम रखवारे। हो तना क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आवे। तीनों लोक हाँकते कावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासय रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावै। मन क्रम बचन ज्ञान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा। है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मित्र हो मारुति की। मित्रता में धन्यवाद का कोई स्थान नहीं होता है। असबर दीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। सब मारुति को ऐसे क्यों देख रहे हो? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उड़ भी सकते हो? ये क्या कह रहे हो मित्र? मैं तो उस चिड़िया के शिशु की रक्षा कर रहा था। किंतु तुम उसे बचाने के लिए आकाश में उड़ गए। मारुति उड़ गया था
ये कैसे हो सकता है? पिताश्री भी कभी नहीं उड़ सके, किंतु मारुति। असुरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा, पृथ्वी से लेकर पाताल तक असुरों और राक्षसों का अधिकार हो गया। समस्त असुर संगठित रूप से सक्रिय हैं। यदि इन्हें नहीं रोका गया तो शीघ्र ही ये हम सब पर राज करने लगेंगे। महाप्रतापी मधुपुर नरेश पधार रहे हैं। आभास तो तुम सबको ये काल ने भी कराएगा महाराज केसरी। महाराज भद्रनाथ, इस सभा में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु आप सबके भांति संसार के प्रति मेरा भी कुछ उत्तरदायित्व है। संसार की भलाई के लिए मैं भी अपने विचार को आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ, इसलिए बिना निमंत्रण के मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। मधुपुर नरेश, हमें प्रसन्नता है कि आप संसार के कल्याण के लिए आयोजित इस सभा में बिना आमंत्रित ही पधारे। निश्चित ही आप प्रशंसा के पात्र हैं। आसन ग्रहण करें। असुरों का सामना करने के लिए हमें एकत्रित होना आवश्यक। आपके विचार से हम पूर्णतः सहमत हैं। देखा महाराज, अब हमारे ऐसे दिन आ गए हैं कि हम मानव राजा को इन वानर कुल के राजाओं की सहायता लेनी पड़ेगी। क्या हम इतने शक्तिहीन हो गए? क्या हम स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते? आज कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां राक्षसों का उत्पात ना हो। यदि एक बार हमने साथ मिलकर सामना किया तो उनकी शक्ति टूट जाएगी और वे पुनः उत्पात मचाने का साहस नहीं करेंगे। किंतु असुरों का सामना करने के लिए हमें इन वानरों की सहायता की आवश्यकता नहीं। इन वानर कुल के राजाओं में बुद्धि होती ही कितनी। इनके बल के सहारे अगर लड़े तो मायावी असुरों से तो क्या साधारण पशुओं से भी नहीं जीत पाएंगे। कहकर नरेश, इस प्रकार हम वानर कुल राजाओं का अपमान। शांत हो जाएं जामराज जी। पंपा सर महाराज ने हमें विशेष निमंत्रण देकर आमंत्रित किया है, इसलिए मर्यादा का उल्लंघन ना करें। तुम इस तरह घूर नहीं सकते, क्या आक्रमण करोगे? इन्हें अकेला मत समझो, हम लोग इनके साथ हैं। देखा, ये साथ देंगे हमारा। इतना कहना भर था कि इनके भीतर की पशु प्रवृत्ति बाहर आ गई। मनुष्य और वानरों को काल ने भी कभी एकजुट नहीं होने देगा। कैसी सभा? ये तो बहुत ही अनुचित है प्राणवल्लभ। राजाओं में भी ऊंच नीच और कुल का भेदभाव। एक और कालनेमी है जिसने अपनी कूटनीति से राजाओं में फूट डाल, तो दूसरी ओर सुमेरु में चक्रासुर जो अपनी क्रूरता से हाहाकार मचा रहा है।
अच्छाई और बुराई समान रूप से सब जगह उपस्थित रहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अच्छाई को चुनकर सदमार्ग पर चलें या बुराई के पथ पर। एक असुर ने अपनी वृत्ति का प्रभाव कैकई नरेश पर डाल दिया। आज एक असुर सफल नहीं हुआ बल्कि बुराई सफल हुई है, और ऐसी भावनाएं जब तक सफल होती रहेंगी आसुरी वृत्ति की जय होती रहेगी। मारुति, तुम सच में उड़े थे या हमारा भ्रम था? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। उड़ना कोई साधारण बात नहीं हो सकती, हर कोई नहीं उड़ सकता। मारुति, एक बार फिर उड़ के दिखा दो ना मित्र। नहीं नहीं मारुति, तुम ऐसा कुछ मत करना। उड़ान भरना सरल काम नहीं है। गिर गए तो, आघात हुआ तो? मुझे तो भय है कि तुम्हें कुछ भी हो सकता है। मित्र, भय से भागने से अच्छा है भय का सामना करना। यदि हम भय का सामना करते हैं तो भय हमारा सामना कभी नहीं कर पाएगा, और सत्य कहूँ तो भय कुछ होता ही नहीं। तुम सत्य कह रहे हो मित्र, हमें भय का सामना करना चाहिए। तुम पुनः उड़ने का प्रयास करो, हो सकता है तुम और अधिक तीव्र गति से उड़ सको। तुम तो रह नहीं दो, लगता है तुम उड़े नहीं थे। हाँ मारुति, लगता है हमें भ्रम हुआ था कि तुम उड़ रहे थे। तुम उड़ने का प्रयास ना करो तो अच्छा है। हमें भय है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। माने कहा है भय मन का भ्रम होता है। मारुति पुनः उड़ेगा। जो प्रयास करना छोड़ देते हैं वो दुर्बल होते हैं।
मारुति दुर्बल नहीं है। मुझे पुनः प्रयास करना ही होगा, संभवतः इस बार मारुति को सफलता मिल जाए। गुण सागर जय कबीर सतगुरु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा मारुति 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 ये तो फिर गिर गया। ओहो, मारुति पुनः गिर गया। मारुति तुम फिर गिर गए। तुम नहीं उड़ सकते मारुति, और अब पुनः प्रयास मत करो मारुति। इस विपदा के समय कोई नहीं है संसार में हमारी मदद के लिए। मुझसे तो नहीं देखी जाती लक्ष्मी बिटिया की ये दशा। चक्रक्षु से भयभीत होकर वर पक्ष वालों ने आने से मना कर दिया। अब आप ही बताइए ये विवाह कैसे संपन्न होगा। दो दिन पूर्व जिस घर में डमरू और मृदंग की मधुर ताल के साथ हमारी बिटिया की खिलखिलाहट गूंजती थी, आज मात्र सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। शांत हो जाओ लक्ष्मी की माँ, शांत हो जाओ। अब हमारे पास मात्र महाराज केसरी का ही आसरा है। मैं कुछ गांव वालों को लेकर उनसे सहायता मांगने जाऊंगा। न जाने क्या होगा, यदि यह विवाह टूट गया तो कौन आएगा हमारी पुत्री से विवाह करने। नीचे आ जाओ शंकर सुवन के नहीं।